नए दिन की शुरुआत आप सब लोगों को जय श्री राम, राम राम, जय भोले की। कल भी शिवरात्रि मनाई गई थी और कुछ लोग आज भी शिवरात्रि मना रहे हैं, तो हमने कल भी जल चढ़ा दिया था, हम आज भी जल चढ़ाई है। तो जिसकी कल थी उन्हें कल की शुभकामनाएं। सही बात है, जिनकी आज है उनको आज की शुभकामनाएं। और कार्रवाई लेट शुरू हुई, संडे था, छुट्टी थी, तो नहा धोने के बाद सो के ही हमारे लेट उठे और उसके बाद फिर नहाए धोए। आज जैसे कल हुआ था, जैसा परसों होता है, ऐसा ही आज हुआ कि हमारी मेड आज फिर नहीं आई। काजोल की वही कार्रवाई फिर से वही रही। एक्चुअली उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अभी आज बात हुई थी उनके बेटे से, तो उन्होंने बताया था कि कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रही है। और काजोल ने आज खाने में शिवरात्रि मना दी है। शिवरात्रि में आज क्या है भैया? पूड़ी। और खाने में है आज आलू, भंडारे वाले आलू, पूड़ी, चाय, अचार। भंडारे वाले हैं लेकिन बनाए मैंने। मजा आ गया। भंडारे वाले हैं लेकिन बनाए मैंने। हाँ है भंडारे वाले, स्वाद भंडारे वाला है। और काजोल ये वाले जो भंडारे वाले आलू बिल्कुल डिट्टो वही बनते हैं, शायद 1% फालतू होंगे, 1% कम नहीं हो सकते, ये गारंटी है। प्रसाद है ना, ये भी ये सोच के बनाए कि आज भोग लगेगा। सही बात। तो प्रसाद में जो टेस्ट आता है वो अलग ही आता है। हाँ बिल्कुल। और दूसरा बनाने वाले की श्रद्धा है, वो किस श्रद्धा से बनाता है। वही वही। तो अब खा लेते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट कम लंच यही है हमारा, क्योंकि पौना एक बज चुका है। पापा ये तो ब्रंच हो रहा है हमारा, ब्रंच हो रहा है। ब्रंच है, चलो भाई ब्रंच होगा। चलिए करते हैं, खाते हैं, मजा लेते हैं आलू पूड़ी की सब्जी का, आलू पूड़ी और सब्जी का, और करते हैं एंजॉय। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे और जय श्री राम। सुबह का टाइम है, काम का टाइम है, सबको अपने अपने काम करने रहते हैं। क्यों पापा? हाँ बेटा, सबको अपना अपना काम करना होता है। हाँ बेटा, दुनिया में आए हो तो काम तो करना ही पड़ेगा बेटा। आप क्या काम कर रहे हो फिर? यार बेटा, गमले की मिट्टी कम कर रहा हूँ उसकी। आज हम जा रहे हैं गांव, और गांव इसलिए जा रहे हैं कि आज है दादाजी के हवन, यानी कि बरसी। जी, एक साल पहले, 11 महीने पहले, 11 महीने। हाँ 11 महीने की होती है वैसे। हाँ। तो 11 महीने पहले जो काजोल के दादाजी थे, वो इस दुनिया को त्याग दिया था, तो आज उनका हवन है, तो इसलिए आज जाना है गांव। और सोच रहे हैं कि ये जो पौधा है अमरूद का, जो कि परेशान है गमले के अंदर, इसको गांव ले जाएंगे और फिर वहां पे घर पे लगा देंगे, ले जाके ज़मीन में। तो हो सकता है इसकी कुछ आँख सी खुल जाए, क्योंकि इस बार तो ये पौधा चला ही नहीं। ये इसलिए निकला, ये बड़ा हो गया है, इसकी आंखें बंद हो गई थी। ये पौधा अच्छा भी नहीं हो रहा था इस टाइम, चल भी नहीं पा रहा ठीक से, तो इसे गांव ले जाना है, क्योंकि वेट बहुत है इसके अंदर, तो उसका थोड़ा सा वेट कम कर रहा हूँ ताकि उठाने में सहूलियत रहेगी। पैसे डिग्गी में रखोगे? नहीं, डिग्गी में तो आएगा नहीं बेटा, ये पीछे सीट पे। अरे पापा, यानी कि आज हम 3 जने नहीं, हम 4 जने जाएंगे, ईशांश, मैं, ईशांश की माँ और पौधा, ये अमरूद का पौधा, हमारा फैमिली मेंबर ही तो है। हाँ बिल्कुल, सब फैमिली में प्लांट भी। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम आज गांव जा रहे हैं, मेरे
पिताजी की, दादाजी की आज बरसी है, 11 मंथ उनको हो गए हैं। तो जब हम घर से चले थे तो ठीक था मौसम, बट अब बारिश हो रही है। कहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, और जहाँ हो रही है वहाँ तेज हो रही है, नहीं हो रही है तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे चले जाते हैं गाइस अपने छोड़ के, कि मतलब ऐसा लगता है कि आज भी हमारे साथ है, बस हम उनको देख नहीं पाते, वो हमें देखते हैं। तेज बारिश हो रही है, आप साउंड सुन सकते हैं बारिश की, किस कदर बारिश हो रही है। इस बार तो खैर बारिश कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही, मतलब जितना प्रेडिक्शन था कि नहीं होगी उतनी, सामान्य से कम होगी, पर ये तो सामान्य से ज्यादा ही हो रही है। कुछ हाल खराब है, सामान्य को तो पार कर चुकी है। हाँ सही बात है, और पूरी बरसात बाकी है, अब यहाँ रुक गई, यहाँ रुक गई, यहाँ बिल्कुल बंद है। तो गाइज ये हो रहा है हवन मेरे दादाजी का, जो कि उनका 11 महीने का हवन हुआ था, तो ये हमने हवन करवाया था उनकी आत्मा की शांति के लिए। हो गया हवन, खा लिया सबने खाना, और दम की आदत हो रही गर्मी में, पसीना। हाँ भाई खाना खा लिया शान, कैसे लगा? अच्छा, वही लेट रहा हूँ, इसने भी खा लिया, इसने भी खा लिया। हमें खाना नहीं है क्योंकि हमारा व्रत है, बाकी और लोग बाहर खा रहे हैं। खाना खा लिया सब जेंट्स ने, अब आ गया लेडीज का नंबर। इधर खा रही है चाची, और ये बुआ बोल क्या कर दी, आलू छील दिए अभी के, ये अभी को पी लिया हुआ था, खराब वो ठीक है, बट वो ये है कि उसका अभी भी वो खाना वाना भी उस तरह से नहीं खाता है प्रॉपर। और ये हमारी माता जी, माता अंकू तू क्या कर रहा, अंकू ऑफिस तो क्यों बुद्धू बना रहा ऑफिस वालों को, ये तो 2:15 बजे चला ऑफिस करन, क्यों तो बुद्धू बना रहा। सुबह से ऑफिस में है वो। अच्छा सुबह से ऑफिस में है, सब लोग जा चुके हैं, और ताऊ जी चाचा जी सब लोग, और अभी बुआ जी फूफा जी और अंकु अबू यहीं पे हैं। और हम लोग ले गए थे वहाँ से एक अमरूद का पेड़, जो कि वहाँ हमारे घर में था, चल नहीं रहा था, चल नहीं रहा था बेसिकली, इसके बड़ा हो गया अभी, इसको गमला छोटा लग रहा था, हाँ स्पेस चाहिए था उसको, तो उसको हम यहाँ पे गांव में ले आए, और अभी उसके भूमि पूजन की तैयारी चल रही है। और ये वो जगह है जहाँ पे वो गमला लगेगा, और ये वो पेड़ है अमरूद का, अचार से खाऊंगा। नहीं था खाने का टाइम, क्यों भूख नहीं थी, तो लग गया प्लांट। गाड़ दिया, हाँ गाड़ दिया, बढ़िया करा। अबे यहाँ अमरूद ही अमरूद आएंगे,
मामा की फोटो बड़ी जोर से दिखाई तूने, क्या बात? मेरे मामा लगते इतने बढ़िया हैं। अच्छा, ये अमरूद लग गया? लग गया। ये लग गया ना? हाँ, वो जो स्थिति तो ऐसी बना दी। गर्मी। अब जब लेके जाएंगे हम? क्या? गर्मी। के साथ तो कम नहीं रही था। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। चलो जी, बुआ जी भी चलती। बुआ जी चल दी, तुम भी चल दी। मैं भी बाय। एक तुम लोग बताओ मेरे पास कब आओगी? देखो आ गया अंकु। मैं हाँ आ जाऊंगी, बता दूंगी। बना लो जल्दी से प्रोग्राम। हाँ ठीक है। चलो जी, बुआ जी को छोड़ते हैं। पापा जी, पापा आ रहे हैं। डिग्गी खोल दे, डिग्गी। चलो भाई, हम भी चलें। पुप्पा जी बिगड़ गए, पुप्पा जी बिगड़ गए। ठीक है, बाय बोल। बाय अबू। गई बुआ जी भी अब हमारा। चलो भाई, हम भी चलें विकास। हमारे नंबर आ गया चलने का। तो चलो जी, फाइनली चल दिए हम भी। गर्मी बेन थे, और ही मेरी शक्ल देख कर लग रहा होगा क्या हाल हो रहा गर्मी में। आज तो गर्मी भी कुछ ज्यादा ही थी। और अब चलते हैं, और चल के अब आपसे गाजियाबादी मिलेंगे। तो दोस्तों, घर पहुंच गए हैं। घर पहुंच के सोने की तैयारी है, और व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। थकान बहुत हो चुकी है। काजोल भी सोने की तैयारी में है, ऑलमोस्ट सो ही चुकी हैं। ईशांत भी सो चुका है। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। व्लॉग पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक नमस्कार, राम राम, गुड नाइट।